नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि वर्ड के अंदर हम कैसे सूची तैयार करते हैं। सूची अर्थात लिस्ट। तो ये लिस्ट जो है ये इस प्रकार की हो सकती है। या फिर आप कोई बुलेट्स के साथ लिखना चाहें तो इस तरह की सूची भी तैयार कर सकते हैं। या फिर आप एरो के साथ लिस्ट बनाना चाहें या किसी और अन्य पिक्चर जो है उसके साथ उसको बुलेट के रूप में लेकर आप लिस्ट बना सकते हैं। तो ये कैसी लिस्ट है? इसे कहते हैं नंबर्ड लिस्ट, नंबर वाली लिस्ट। तो ये 1 2 3 4 हो सकता है, ABCD हो सकता है, रोमन नंबर्स में 1 2 3 4 हो सकते हैं। यानी कि इसमें ऑर्डरिंग है कि पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, और इनमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं बुलेट वाली, यानी कि बुलेटेड। ये कहलाती है बुलेटेड लिस्ट, जिसमें हम 1 2 3 4 या ABCD कुछ इस तरह से ऑर्डरिंग नहीं डाल रहे, केवल बुलेट्स हैं। तो आप सोचेंगे कि इस तरह की लिस्ट बनाने के लिए वर्ड में टूल की क्या आवश्यकता है? ये तो 1 लिखा और आगे लिख दिया लिस्ट आइटम, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, ऐसे कर सकते हैं हम मैन्युअली भी। आप कर सकते हैं मैन्युअली, लेकिन मान लीजिए आपने 1 से लेकर 10 तक की लिस्ट बना दी, आपने 1 से लेकर 10 तक की लिस्ट बना दी। अब क्या होगा कि उसमें आपको बीच में कोई लिस्ट आइटम डालना पड़ रहा है, ठीक है? जैसे चौथे नंबर पर आपको मान लीजिए कोई लिस्ट आइटम डालना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने लिखा है 1 2 3 4, है ना, ये पूरी लिस्ट है। अब आपको, आपने लिस्ट तो बना दी, अब आपको ध्यान आया अरे 4th नंबर पे तो ये आएगा, ठीक है? तो क्या करना होगा आपको, आप 4th नंबर वाले को नीचे शिफ्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे आप, 4th नंबर पे एक नया आइटम डाल के फिर 5th वाले को 6, 6th वाले की जगह 7, सब मैन्युअली करना पड़ेगा आपको। यानी कि लिस्ट बनाने के बाद अगर उसमें कोई अपडेशन करने की जरूरत पड़ी तो समस्या हो जाएगी। हमें लिस्ट पूरी, बीच में कोई आइटम डाला तो नीचे की जो पूरी लिस्ट है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, अपडेट। इसी तरह से अगर हमें लगा नहीं नहीं ये आइटम नहीं आएगा, मान लीजिए लिस्ट में हमें लगा कि नहीं भाई ये आइटम हटाना है, यानी कि रिमूव करना है या डिलीट करना है, तो उस केस में क्या होगा, आपने 3 नंबर वाला लिस्ट आइटम डिलीट कर दिया, अब 4th वाले को 3 नंबर का बनाना पड़ेगा, है ना, 4 की जगह 3 लिखेंगे, 5 की जगह 4 लिखेंगे, पूरी लिस्ट आपको अपडेट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो यहां पर लिस्ट बनाने का टूल है वो यूज करेंगे, वर्ड लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट, नंबरिंग लिस्ट कोई भी, तो उससे क्या होगा कि अगर आप बीच में कोई आइटम इंसर्ट करते हैं या कोई आइटम रिमूव करते हैं, लिस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, आपको मैन्युअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। राइट? समझे ये चीज कि अगर हम टूल के माध्यम से लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट तो बनानी पड़ेगी, मान लीजिए कोई किताब भी मैं यहां लिख रही हूं, मैं 1 2 3 4 उसमें लिख रही हूं कि पहले हम ये पढ़ेंगे, पहला चैप्टर ये है, चैप्टर नंबर 2 ये है, चैप्टर नंबर 3 ये है, तो अगर कहीं बीच में कुछ चेंजेस हुए, कोई नया चैप्टर डाल दिया बीच में, तो पूरी लिस्ट जो है, और ये तो अभी हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 10 तक की लिस्ट की, लिस्टें बड़ी बड़ी भी होती हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा, है ना, आप पॉइंट्स टू रिमेम्बर लिख रहे हैं, बीच में आपको कहीं डालना है, कहीं भी हो सकता है पहले नंबर पे ही डालना पड़ जाए कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो क्या होगा, तो समस्या आएगी। इसलिए हम मैन्युअली ना करके हम क्या करेंगे, हमारे पास वर्ड में टूल है, हम वो टूल यूज करके इस तरह की बुलेटेड लिस्ट या फिर नंबर्ड लिस्ट तैयार कर सकते हैं, और इनकी फॉर्मेटिंग आप जैसे चाहे कर सकते हैं। राइट? तो हमने ये तो सीखा कि पैराग्राफ हम इसमें बनाते हैं
पैराग्राफ की स्पेसिंग और ये सब भी करते हैं, जो कि आज हम थोड़ा देखेंगे भी प्रैक्टिकली इसको करके, लेकिन हम साथ ही साथ इस तरह की नंबर्ड लिस्ट और उसकी फॉर्मेटिंग भी वर्ड में कर सकते हैं। तो एक फाइल ओपन करते हैं, हमने जो कल फाइल बनाई थी उसी को ओपन करके सबसे पहले हमें ऑफिस में से वर्ड सेलेक्ट करके वर्ड ओपन करना है, क्योंकि हम वर्ड बार बार ओपन कर रहे हैं तो यहां पे हमें स्टार्ट मेन्यू में ही दिखाई दे रहा है, तो वहां से हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है या कोई पुराना बनाया हुआ या कोई नया, आप बता सकते हैं। तो मैंने कल ई ड्राइव में माय फाइल्स में एक डॉक्यूमेंट बनाया था वर्ड प्रैक्टिस, उसी को ओपन करते हैं। ठीक है, उसको ओपन कर लिया, ये देखिए दिख गया है ना। तो आज इसी में थोड़ा सा हम पैराग्राफ और लिस्ट का फॉर्मेटिंग और कैसे लिस्ट बनानी ये सब देखेंगे। ठीक है, तो हमने पहले लिखा था कुछ इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर, फिर कुछ लाइन हमने लिखी। ठीक है, एक सेंटेंस इसको कंप्लीट करके हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा हेडर एंड फुटर कैन बी एडेड टू इंसर्ट पेज नंबर और अदर। ठीक है, अब इसमें हमने लिखा वी कैन क्रिएट, तो ये देखिए अभी हम होम पर हैं, है ना, इंसर्ट में, इंसर्ट अब पे हम क्लिक करेंगे तो इंसर्ट क्या क्या कर सकते हैं वो टूल्स दिखेंगे, है ना, और डिजाइन पे जाएंगे तो क्या क्या डिजाइनिंग कर सकते हैं उसके टूल्स दिखेंगे। ये देखिए जो छोटे छोटे ये आइकन्स दिख रहे हैं, दीज आर टूल्स टू डिजाइन समथिंग। ठीक है, इसी तरह से व्यू, लेआउट, बहुत सारे टैब्स हैं। तो अभी हम होम पर हैं, जिसमें हमारे पास एडिटिंग और फॉर्मेटिंग संबंधित ऑप्शंस आते हैं, टूल्स आते हैं। तो ये देखिए यहां पर ये जो इस पे क्या है, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, स्टाइल। तो पैराग्राफ के अंतर्गत हमारे पास है लिस्ट, नंबरिंग, ये बुलेट्स एंड नंबरिंग वाला टूल। ये देखिए बुलेट्स का टूल है ये, जहां से हम बुलेटेड वाली लिस्ट बना सकते हैं, बुलेट्स वाली लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट। ठीक है, और यहां पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, ये टूल है नंबरिंग का। अगर आप नहीं भी पहचान पाए तो जब आप इस पे जाएंगे आइकन पर, तो इस टूल पर जाते ही नीचे लिखा हुआ है नंबरिंग, क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट। ऐसी बुलेट्स पे जाएंगे तो बुलेट्स के नीचे लिखा है क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट। ठीक है, तो यहां पर हम लेंगे अभी बुलेटेड वाली लिस्ट बनाएंगे, फिर नंबरिंग वाली लिस्ट बनाएंगे, और एक होती है मल्टी लेवल लिस्ट। ये देखिए ये बुलेट लिस्ट है, ये नंबर्ड लिस्ट है, और उसके आगे है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट मतलब अलग अलग लेवल्स पर जाकर हमें अगर सूची बनानी है तो उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बना के देखते हैं। तो एक बार ये सेंटेंस हम कंप्लीट करते हैं, तो यहां पे हमने कुछ सेंटेंस लिखा कि वी कैन क्रिएट लिस्ट बाय बुलेट्स, एंड बुलेट्स का टूल है एक तो, और हमारे पास नंबरिंग का टूल है, बुलेट्स एंड नंबरिंग टूल। ठीक है, ठीक है, अब हम यहां पर एक लिख रहे हैं फॉलोइंग आर द ऑप्शंस। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पे मुझे कुछ लिखना है, लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है। ठीक है, हमने यहां पे लिख दिया फॉलोइंग आर द फीचर्स टूल्स यूज इन वर्ड। तो सबसे पहले हमें लिखना है, मान लीजिए हमने यहां लिखा वन और फिर कुछ। अब तो ये तो मैनुअली हो गई कि हमने वन लिखा और फिर उसके आगे कुछ लिखा, अब हम ये नहीं करते, हम क्या करते हैं, ये टूल यूज करते हैं। तो ये देखिए बुलेट्स क्लिक कर दिया, बुलेट आ गई, ये दिख रही है आपको बुलेट,
ठीक है, ये बुलेट्स दिख रही है। अब यहां पर मैंने लिखा क्रिएटिंग पैराग्राफ्स इन डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, एंटर की देंगे तो क्या आ जाएगी, एक नई आइटम। ठीक है, ये दूसरा आइटम है हमारा। पहला हमने क्या लिखा, क्रिएटिंग पैराग्राफ्स इन डॉक्यूमेंट, फिर हमने लिखा एडिटिंग, फिर एंटर दिया, हमने लिखा फॉर्मेटिंग। ठीक है, फिर हमने लिखा मेल मर्ज, ठीक है, और एक हमने लिखा डिजाइनिंग, एक हमने लिखा इसमें क्रिएटिंग टेबल। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स लिखे। अब कहीं पर भी हमें, मान लीजिए ये हटाना है हमें डिजाइनिंग, तो अगर हम मैन्युअली हटाते तो क्या करते हैं? हम इसको हटाते, उसको भी हटाते नीचे, है ना। अब ये देखिए, ये अपने आप हट गया, आप यहां पर इसको डिलीट आपने दे दिया, ये अपने आप हट गया। ठीक है, और अगर कहीं पर बीच में हमें इंक्लूड करना है, एंटर की दे दी, देखिए बीच में एक नया लिस्ट आइटम, ठीक है, इंसर्ट हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से ये चीज होती है, और ये स्क्रॉल करके हम अपने पेज को देख सकते हैं, राइट। तो ये कुछ हमने लिस्ट बनाई। अब मान लीजिए कि यही लिस्ट अगर मुझे लगता कि नहीं नहीं मुझे तो नंबरिंग यूज करके बनानी थी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे ये जो लिस्ट है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने का वही तरीका है, माउस से हम ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में हम शिफ्ट की दबा के एरो कीज की सहायता से सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसा कि हमने टेक्स्ट एडिटर में देखा था। अब ये सेलेक्ट कर ली और मैंने नंबरिंग पर क्लिक कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गई। यानी कि अगर मैन्युअली करते ना तो पूरा हमें बाद में लगता कि अगर हमें करना है, ये देखिए अगर नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो नंबर्ड लिस्ट बन जाएगी, बुलेट्स पे क्लिक कर देंगे तो बुलेट वाली लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए, राइट। अब मान लीजिए हमें कुछ और भी यहां पे आइटम ऐड करना है। अब देखिए अगर मैन्युअली करते हैं, अगर पांचवें नंबर पर मुझे कुछ डालना है तो मैं क्या करती, ये पांचवें वाले को नीचे शिफ्ट करती और फिर डालती। अब मैं क्या करेंगे, मैं क्या करूंगी, यहां पे सीधे एंटर की दूंगी। एंटर की देते ही क्या हुआ, वापस देखिए, कंट्रोल जेड करते हैं, ऐसे था। ठीक है, ये हमारी लिस्ट है। अब फोर्थ नंबर पर है और मान लीजिए फिफ्थ नंबर पर हमें कुछ नया इंसर्ट करना है, ये मेल मर्ज तो चला जाए सिक्स नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे हम कुछ नया आइटम डाल सके, तो आप ये फोर्थ नंबर वाले के बाद जब एंटर की देंगे तो आपके पास ये ब्लैंक आइटम आ जाएगा, ये देखिए। और कभी भी आप इसको हटाना चाहें तो वापस आप डिलीट प्रेस कर सकते हैं, तो वापस मेल मर्ज फिफ्थ नंबर पर आ जाएगा। ये देखिए ऐसे था, है ना। डिजाइनिंग पे थे हम, फोर्थ नंबर की लिस्ट आइटम पे थे। अब हमने क्या किया, एंटर की दबा दी, फिफ्थ नंबर पर आ गए। यहां पे हमने लिखा इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम कभी भी कर सकते हैं कोई भी चेंजेस। अब मान लीजिए मेल मर्ज हटाना है, है ना, ये हटा दिया। अब अगर ये मैन्युअली करते तो सेवेंथ वाले को, यानी क्रिएटिंग टेबल्स वाले को सिक्स्थ लिखना पड़ता, लेकिन ये देखिए अपने आप ही हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे ताकि ये ऊपर आ जाए। तो ये हमारी जो लिस्ट है वापस उस तरह से हो गई। अगर यहां एंड और डालना चाहें तो ये डाल सकते हैं हम कभी भी, राइट। मान लीजिए कि मुझे फॉर्मेटिंग के बाद क्रिएटिंग टेबल्स डालना है, यहां पे नहीं डालना, तो मैंने यहां आए तीसरे नंबर पे भी हमारा एक आइटम है, फोर्थ पे भी है, मैंने यहां बीच में ये करा और यहां लिख दिया क्रिएटिंग टेबल्स, और यहां से क्या कर दिया इसको, ये देखिए डिलीट कर दिया। तो डिलीट करते ही अपने आप लिस्ट अपडेट हो गई,
तो मैन्युअली कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। और आप ये देखिए इंडेंटेशन, इंडेंटेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्पेसिंग है ना, इंडेंटेशन मीन्स स्पेसिंग। तो ये देखिए ये प्रॉपर सबके बीच में स्पेसिंग बराबर आ रही है, किस तरह से वन डॉट और फिर ये इस तरह से आ रहा है ना, तो स्पेसिंग भी प्रॉपर आ रही है। और कभी भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ 1 2 3 4 नहीं, मुझे ABCD वाली लिस्ट चाहिए थी, आप इस पे जाइए और यहाँ पे देखिए नंबरिंग में आपके पास तरह तरह की आ रही है, ABCD वाली लिस्ट भी बना सकते हैं आप, कभी भी अपनी लिस्ट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं है ना। ये देखिए स्मॉल ABCD, या लेट से आपको रोमन नंबर्स में लिखना है तो ये भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं बुलेटेड लिस्ट बनानी है तो आप बुलेटेड लिस्ट बना सकते हैं, ये देखिए कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें भी आपके पास ऑप्शंस हैं बुलेटेड लिस्ट में, अगर आपको बुलेटेड लिस्ट बनानी है तो आपको ऐसे एरो चाहिए या आपको ये चेक का निशान चाहिए या आपको इस तरह का कोई बुलेट चाहिए, तरह तरह के बुलेटेड स्टाइल्स हैं, आप कोई सा भी बुलेट स्टाइल ले सकते हैं। देखिए कभी भी लिस्ट को बड़ा छोटा डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, ये चीज आसानी से हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से नंबर वाली जो है उसमें भी आप रोमन नंबर्स में लिखना है या कोई और फॉर्मेट में लिखना है, वो सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। तो लिस्ट बनाना इजी है, कभी भी हम अपनी फाइल में अगर हमें लिस्ट बनानी है तो हम लिस्ट बना सकते हैं। और मैन्युअली बनाने से अच्छा है कि हम इस टूल से बनाएं, इससे क्या होगा कि कभी भी आपको कोई आइटम इंसर्ट या डिलीट करना है, लिस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। और अगर हम ये काम मैन्युअली करते तो सारे चीजें पूरी लिस्ट को अपडेट करना मुश्किल काम हो जाता, राइट। तो बच्चों इस तरह से लिस्ट क्रिएट करी जाती है। चलिए वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक से आने के बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने लिस्ट बना के देख ली, एक इसमें कंसेप्ट है मल्टी लेवल लिस्ट, उसको और हम समझ लेते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट का अर्थ है कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं और फिर उसके अंतर्गत ही हम लिस्ट जो है उसको कुछ इस तरह से, जैसे कि आप 1 नंबर पे कुछ लिख रहे हैं, फिर 2 नंबर पे कुछ लिख रहे हैं और फिर उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे 2.1, 2.2 इस तरह से। तो जैसे इस तरह की लिस्ट बनती है ना, अब लेट से आपको कुछ 2 के अंदर डालना है तो 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है। फिर वापस से आपका ये हो गया यहाँ पे, तो थर्ड नंबर, फोर्थ, जो भी 4.1, किसी भी तरह से। या कभी आपको 1 के अंदर लगता है तो आप 1.2 ऐसे। दिस इज मल्टी लेवल लिस्ट, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट। और ये मतलब ये एक लेवल हो गया, फिर इसके अंदर ये एक लेवल हो गया है ना, और आप इसको कितने भी लेवल्स तक बना सकते हैं। जैसे आप यहां पर दे रहे हैं ये 2 पॉइंट है ना, जैसे मान लीजिए आपने 2 लिखा, फिर यहां आपने लिखा 2.1, यहां आपने कुछ दिया, अब लेट से फिर आपने दिया 2.1.1, 2.1.2 इस तरह से, और फिर आप यहां पर आ गए 2.2, राइट। तो दिस इज मल्टी लेवल लिस्ट, ये एक लेवल पे चल रहा है, इसके अंदर हम फिर एक लेवल पर आ गए और फिर हम एक लेवल पर आ गए, इसको मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं, राइट। तो इस तरह की लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम बुलेट की लिस्ट बना सकते हैं, हम नंबर्ड लिस्ट बना सकते हैं, और इन दोनों लिस्टों को ही
हम मल्टी लेवल बना सकते हैं, ठीक है। बुलेटेड लिस्ट भी मल्टी लेवल हो सकती है, नंबर लिस्ट भी हो सकती है। अगर ये हमारी बुलेटेड लिस्ट होती तो ये ऐसे चलता कि आपने मान लीजिए एरो दिया, फिर दूसरे एरो पे, है ना, और फिर आप यहां पर कुछ लिख रहे हैं, फिर आपने ये, है ना, तो इस तरह से हो सकती है। तो ये हम चीज करके देखते हैं प्रैक्टिकली, मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहां पर हमने लिखा है क्रिएटिंग पैराग्राफ्स इन डॉक्यूमेंट, फिर हमने लिखा है एडिटिंग। अब हमें लिखना है कि एडिटिंग टूल्स कौन, जैसे हमने यहां लिखा है एडिटिंग टूल्स, हम कौन कौन से एडिटिंग टूल्स हैं वो लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसी लिस्ट है हमारी, ए बी सी डी, है ना, तो बी पॉइंट के आगे जाना चाहते हैं। देखिए इसको एक बार मैं आपकी सुविधा के लिए इसको 1 2 3 4 वाली लिस्ट कर देती हूँ, ठीक है। एडिटिंग टूल्स, एडिटिंग टूल्स में आए और एंटर दिया, तो एंटर देंगे तो क्या होगा, तीसरे नंबर पे कुछ आएगा, लेकिन अब की बार हमने क्या किया, टैब दे दिया। क्या दिया हमने, टैब। टैब देते ही ये देखिए एक बुलेट आ गई, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और आप इस तरह स्मॉल ए बी सी डी, मतलब टैब देने से आप एक लेवल इनसाइड जा रहे हैं। तो हमने यहां पे लिखा कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस। ये देखिए ये हमने एडिटिंग टूल्स डाले हैं, ये एक मल्टी लेवल लिस्ट बन गई। और अगर आप इसको चाहें तो आप इसको एबीसीडी वाली बनाना चाहें या कोई और वो भी बना सकते हैं, स्मॉल एबीसीडी की बना सकते हैं। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट का एग्जाम्पल है, और किसी भी लिस्ट में आप किसी भी लिस्ट आइटम के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर हमने क्या करा है, कट कॉपी पेस्ट इस तरह से लिखा है ना, और इसको अगर हम कुछ और तरीके से देना चाहते हैं, किसी और लेवल पे हम बनाना चाहते हैं, वो भी कर सकते थे। ऐसे ही एक बार और करके देखते हैं, जैसे हमने लिखा फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग लिखा हमने, इसको हम करते हैं, एंटर की दी और टैब दिया, ठीक है, और ए पॉइंट पे हमने लिखा फॉन्ट, फिर बी पॉइंट पे हमने लिखा पैराग्राफ, ठीक है, ये हमने लिखा। अब ये देखिए जैसे फॉन्ट के अंदर हम आए और फिर हमने टैब दिया, और अब की बार हमने लिखा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ठीक है, टेक्स्ट कलर, ये देखिए। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट बन गई हमारी। ये देखिए पहले हमने तीसरे नंबर पे दिया था फॉर्मेटिंग, उसके अंदर दिया फॉन्ट, और फॉन्ट के अंदर हमने ये तीन चीजें दी। इसी तरह से पैराग्राफ के अंदर आए और हमने टैब दिया, तो एक लेवल अंदर जाने के लिए हम क्या देते हैं, टैब की, ठीक है। और ठीक है अब हम यहां पे पैराग्राफ के लिए लिख रहे हैं अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, ठीक है, लेट से हमने ये लिखा, ठीक है, और यहां पर हम है इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन के आगे हमें सी पॉइंट डालना है ना, हमें क्या करना है, अब एक लेवल अप जाना है, ठीक है। तो हम क्या की दबाएंगे, शिफ्ट और टैब, शिफ्ट और टैब दोनों की को एक साथ दबा के हमें एक लेवल आगे आ गए, ठीक है। और यहां पर हमने दिया पेज, ठीक है, और टैब दिया, तो ये देखिए बॉर्डर कलर, ठीक है। तो इस तरह से हम, ये देखिए
बैकग्राउंड कलर पर हैं हम और एंटर की देंगे तो वापस इधर आ जाएंगे। अब अगर हम शिफ्ट और टैब की दबाएंगे तो डी पॉइंट आ जाएगा और वापस से अगर हम शिफ्ट और टैब देंगे तो ये फोर्थ पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये जो स्पेस है इसको कम कर लेते हैं। तो इस तरह से टैब ये देकर हम सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह की लिस्ट बनी है। तो दिस इज नोन एज मल्टी लेवल लिस्ट। तीसरे नंबर पे हमने दिया था फॉर्मेटिंग, तीसरे के बाद जब हमने एंटर की दी तो फोर्थ आ गया, लेकिन हमें फोर्थ नहीं चाहिए था, हमें उसके अंदर लिस्ट चाहिए थी तो हमने टैब दिया। तो एक लेवल इनसाइड जाने के लिए टैब देते हैं। ये देखिए पहले ए नंबर पे फॉन्ट था, ए पर फॉन्ट था, लेकिन हमने एक और दे दिया तो फॉन्ट तो चला गया बी पर और ए आ गया। तो इसमें हम अगर कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बी पर फॉन्ट है, फिर ये फॉन्ट स्टाइल है ना। अब टेक्स्ट कलर यहां पर हमने दिया फॉन्ट स्टाइल है ना, फॉन्ट साइज। अब एक और हमें चाहिए तो एंटर की देंगे। ठीक है, और यहां हमने कुछ लिख दिया। अब एक और एंटर दिया, एक और आ गया, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हम क्या दबाएंगे, शिफ्ट और टैब, तो ये सी पॉइंट आ गया। यहां पे भी हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट बनाई जाती है। कहीं पर भी आपको लगता है कि भाई इसके अंदर हमें दूसरी लिस्ट बनानी है तो आप टैब की दे सकते हैं, और जब भी आपको उस लेवल पर वापस आना हो तो आप शिफ्ट प्लस टैब की का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट है, कितने भी लेवल अंदर जा सकते हैं। और जैसे यहां पर देखिए मैंने ये बुलेट्स आ गई हैं, मैं कभी भी चाहूं तो इनकी जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज कर सकती हूँ। मुझे स्मॉल एबीसीडी चाहिए, रोमन नंबर्स चाहिए, कभी भी कोई भी चेंजेस करे जा सकते हैं, है ना। या मान लीजिए मुझे डॉट्स चाहिए, या मुझे ऐसे छोटा सा ये चाहिए, या इस तरह का चाहिए, कैसा भी हम कर सकते हैं। इनका रंग वगैरह ये सब चीजें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट बनाई जाती है। और ये मल्टी लेवल लिस्ट की जो फॉर्मेटिंग है, मतलब ये मल्टी लेवल लिस्ट कैसी होगी, तो इसका ऑप्शन यहां भी है। ये देखिए आप कभी भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको ये मल्टी लेवल लिस्ट पसंद है तो इस तरह की आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कभी भी लगता है कि कुछ चेंजेस आपने करे वो सही नहीं हुए, तो हमारे पास बहुत ही अच्छी की है कंट्रोल जेड, यानी कि अंडू। तो अंडू करने के लिए यहां पर हमारे पास एरोज भी आ रहे हैं, ये एरोज भी हम यूज कर सकते हैं अंडू। और हमने देखा था टेक्स्ट एडिटर में क्या था, केवल हम एक बार अंडू करते हैं, है ना। हमने कुछ परफॉर्म किया, लेट से मैंने यहां पर लिखा था एडिटिंग लिखा हुआ था, उसको मैंने डिलीट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इसको डिलीट कर दिया। तो जैसे ही अगर मैंने कुछ चेंजेस करे हैं और वो चेंजेस मुझे वापस चाहिए, तो हम कंट्रोल प्लस जेड ये की दबाते हैं। ये किसकी शॉर्टकट की है, अंडू की। तो अंडू हो जाएगा, और हम एक एक्शन नहीं, हमने इस एक्शन से पहले जो एक्शन किया है एक और कंट्रोल जेड देकर उसको भी हम रिवर्ट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। इसी तरह से हम जितने भी एक्शंस करते आ रहे हैं वो सब कंट्रोल जेड अंडू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वर्ड के अंदर आप अंडू जो है वो कई स्टेजेस तक कर सकते हैं, यानी कि आपने एक बार अंडू किया तो अभी हाल ही में जो आपने किया वो अंडू हो जाएगा, उससे पहले जो दोबारा से की देने पर उससे पहले जो किया वो अंडू हो जाएगा। ऐसे अंडू 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 कई बार हम कर सकते हैं। तो जो हमने अभी किया है वो अंडू होगा, उससे पहले जो किया है वो अंडू होगा, उससे पहले जो किया है वो अंडू कर सकते हैं। ऐसे कितने भी स्टेजेस तक हम अंडू कर सकते हैं, जबकि पहले हमने देखा था कि हम एक बार अंडू कर रहे थे जो भी हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया, लेकिन वर्ड के अंदर हम कई लेवल्स तक अंडू कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस जेड इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू, और इस तरह से अंडू का आइकन होता है, ये अंडू का आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो भी आप अंडू कर सकेंगे।
और जो अंडू कर दिया उसको दोबारा से करना है ना। मैंने कुछ डिलीट किया और अंडू किया तो वो वापस आ गया, ठीक है, अंडू हो गया मेरा एक्शन, जो मैंने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया वो मैंने अंडू कर दिया, लेकिन नहीं मुझे वापस चाहिए, सही किया था मैंने। तो क्या कर सकते हैं, ये टूल है किसका, रीडू, जो अंडू किया है उसको वापस से करने के लिए रीडू। तो ये दो कमांड्स आप यूज कर सकते हैं, अंडू और रीडू। और जैसे कि मैंने आपको मल्टी लेवल लिस्ट में बनाया कि यहां पर हम हैं, फिर यहां हम हैं, जब अब हम एंटर की देंगे तो हम कहां आ जाएंगे, यहां पर। लेकिन अगर मैंने यहां पर टैप की दे दी, कौन सी की, टैप की, तो नेक्स्ट लिस्ट यहां पर चालू हो जाएगी, ठीक है। और एक और की याद रखनी है, टैब, टैब से क्या बनेगा, मल्टी लेवल लिस्ट, और अंदर जाएंगे लेकिन वापस बाहर आना है। अब जैसे यहां पर आपने एंटर दिया तो आप यहां आ गए, लेकिन आपको वापस से इस वाली सूची को कंटिन्यू करना है, तो आप क्या करेंगे, आप देंगे शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब देंगे तो वापस से यहां आ जाएंगे, ये वाली लिस्ट को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आप लिस्ट बना के ट्राई कीजिएगा, तरह तरह से मल्टी लेवल लिस्ट बनाएंगे, तो आप ये टैब और शिफ्ट प्लस टैब दो कीज आपको याद रखनी है फॉर मल्टी लेवल लिस्ट। टैब देने से हम अंदर के लेवल पर जाते हैं, है ना, एक लेवल इनसाइड जा रहे हैं, और वापस से लेवल अप करने के लिए हम शिफ्ट प्लस टैब की देते हैं। कंट्रोल प्लस जेड करते हैं हम अंडू के लिए, और अगर हमें रीडू, वही एक्शन हम रीडू भी कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों ये प्रैक्टिस कीजिएगा, आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।